मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में एक अजीब मामला सामने आया है। 53 वर्षीय एक पंडित को सरकारी सिस्टम की गलती के कारण जेंडर चेंज कर दिया गया है, जिसके लिए पंडित पिछले 1.5 वर्षों से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है, जिस कारण उन्हें सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे में वे परेशान हो रहे हैं। आधार कार्ड में उनका नाम और निवास स्थान सभी सही है, लेकिन उनका जेंडर फीमेल कर दिया है। आपने आपको मेल साबित करने के लिए परेशान हो रहे हैं। आधार कार्ड से होने वाले शासकीय कार्य एवं अशासकीय कार्य कराने में उनको परेशानी आ रही है। जब लोकल 18 की टीम ने पंडित अवधेश पांडे से बात की तो उन्होंने बताया कि मैं बुरहानपुर के मालीवाड़ा क्षेत्र में रहता हूँ। 1.5 साल पहले जब मेरे आधार कार्ड को अपडेट कराया था तो आधार कार्ड पर मेरा नाम और पता सभी चीज़ सही थी, लेकिन उसमें जेंडर फीमेल कर दिया गया था, जिसके लिए मैंने 2 बार आधार कार्ड अपडेट करवाया। इसके बावजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मैं पिछले 1.5 वर्षों से सरकारी कार्यालय के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन कोई निराकरण नहीं हो रहा है। मुझे शासकीय एवं अशासकीय कार्य कराने में परेशानी आ रही है। जब इस पूरे मामले को लेकर ई गवर्नेंस प्रबंधक मनोज मोरे से बात की तो उन्होंने बताया कि यह समस्या सामने आई है। इसके द्वारा 2 बार आधार कार्ड अपडेट कर दिया गया है, इस कारण यह समस्या बन रही है। भारतीय विशिष्ट प्राधिकरण नई दिल्ली से पत्राचार किया है, जल्द ही इनकी समस्या का निराकरण होगा। आपको क्या दिक्कत हो गई है? आधार कार्ड बनवाया था, उसमें मेल से मुझे फीमेल कर दिया और उसी समय दोबारा सुधरवाने का प्रयत्न किया तो बोले अब हो नहीं रहा है और मैं कई दिनों से परेशान हूँ। ना ये KYC हो पा रहा है बैंकों में, ना कहीं पर लिंक हो पा रहा है और ये समस्या आ रही है। यहाँ पर भी अभी चक्कर खा रहा हूँ। आज तीसरी चौथी बार आया तो वो कह रहे कि अब आप 20 दिन बाद आना, हमने कर दिया है। कितने दिन से परेशान हो आप? लगभग 1.5 साल से। क्या समस्या जा रही है आपको? ये लिंक नहीं हो पा रहा कहीं पर, ना कहीं KYC हो पा रहा है, ना कोई योजनाओं का लाभ, नहीं कुछ नहीं कुछ। अब क्या मांग करते हो आप? क्या ये इसको सही किया जाए? क्या नाम आपका? अवधेश पांडे।